क्या भारतीय क्रिकेट टीम मैनेजमेंट अब ऋषभ पंत को किनारे कर रहा है। बहुत कम उम्र से ही भारतीय क्रिकेट में छा जाने वाले खिलाड़ी रहे हैं ऋषभ पंत। सन 2016 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के लिए उनका चयन भारतीय टीम में हुआ था। टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने 18 गेंदों पर अर्धशतक लगा दिया था, जो इस स्तर पर सबसे तेज अर्धशतक था। जनवरी 2017 में भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय टी20 डेब्यू किया, जो अगस्त 2018 में टेस्ट डेब्यू और फिर अक्टूबर 2018 में वनडे इंटरनेशनल और आगे जनवरी 2019 में पंत ICC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर नामित हुए। करीब 22 वर्ष की उम्र में ही क्रिकेट की सभी फॉर्मेट में अपनी पहचान बना लेना यह बताता है कि पंत प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। उनकी प्रतिभा का उन्हें इनाम भी मिला है। 2019 के एक दिवसीय विश्व कप अभियान से लेकर अब तक के हर सीजन में टीम मैनेजमेंट ने उन्हें टीम संयोजन में शामिल किया है। चयनकर्ताओं ने तो विश्व कप के बाद पंत के प्रदर्शन पर यह कहकर उन्हें एक तरह से अवैध दान ही दिया था कि वह प्रतिभावान और सक्षम खिलाड़ी हैं। टीम उन्हें भविष्य की टीम संयोजन में देख रही है, इसलिए उन पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा, उन्हें मौके दिए जाएंगे। ऋषभ पंत का प्रदर्शन। लेकिन पंत के प्रदर्शन ने ठहराव नहीं रहा, मिले मौकों को वह भुनाने में अब तक उतरने में सफल नहीं हुए। जितनी प्रतिभा उनमें है, हालांकि पंत अभी तक केवल 11 मैच और 12 एक दिवसीय मैच और 30 टी20 मैच ही खेले हैं, फिर भी अगर इन फॉर्मेट में उनके रनों का औसत देखें तो केवल टेस्ट मैच का औसत ही सही लगता है, जो कि अभी 44 है। वहीं एक दिवसीय मैचों का औसत 22 तो टी20 का 19 है। यह रनों का प्रभावी औसत नहीं है, जब आज की प्रतियोगी क्रिकेट में खिलाड़ियों के बीच एक स्वस्थ लेकिन कड़ी प्रतिस्पर्धा है। इधर बांग्लादेश के साथ घरेलू सीजन में भी पंत का प्रदर्शन लचर ही रहा है। बल्ले के अलावा उनमें विकेट कीपिंग में भी कई गलतियां हुई हैं। यह तो सच है कि पंत प्रदर्शन में लगातार गिरावट आई है, इसके बाद भी वह टीम मैनेजमेंट की पहली पसंद रहे हैं और उनकी आलोचना वैसे नहीं हुई है जैसे भारतीय क्रिकेट में किसी खिलाड़ियों के गिरते प्रदर्शन को लेकर होता है। पंत इस मामले में अब तक भाग्यशाली रहे हैं, लेकिन इस सीजन के बाद पंत की आलोचनाएं शुरू हुई हैं। ये बात अलग है कि भारतीय कप्तान खुद BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने पंत का बचाव किया है, लेकिन अब टीम मैनेजमेंट पर दबाव दिख रहा है। इसे समझने के लिए हमें कुछ बिंदुओं पर गौर करना होगा, आइए उन बिंदुओं को नजर डालते हैं। विश्व कप के पहले ही नंबर 4 स्लॉट के लिए एक उम्दा बल्लेबाज खोज भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए सिरदर्द था। कई खिलाड़ियों को आजमाया गया, लेकिन यह खोज काफी समय तक अंतहीन यात्रा जैसी ही रहा। अंत में टीम मैनेजमेंट ने इस स्लॉट के लिए युवा ऋषभ पंत पर दाव लगाया और इसे उसके उतार चढ़ाव वाले प्रदर्शन के बावजूद इस स्लॉट पर एक तरह से फिक्स हो जाने के कई मौके दिए। इसी समय श्रेयस अय्यर टीम संयोजन में आने के बाद से ही मिले मौके को दोनों हाथों से लपक रहे हैं। श्रेयस अपने उम्दा और समझ भरे प्रदर्शन की बदौलत बहुत ही कम समय में नंबर 5 के 4 पर आ गए हैं और उनका बेहतर प्रदर्शन अभी भी जारी है। श्रेयस अय्यर की मजबूत दावेदारी ने टीम मैनेजमेंट के उस नजरिए को सोचने पर मजबूर किया है, जिसमें पंत एक अच्छे विकल्प के अभाव में नंबर 4 स्लॉट के लिए मैनेजमेंट की पहली पसंद बने हुए थे। यह पहला अवसर रहा जब पंत के ऊपर किसी नए खिलाड़ी की तरजीह दी गई है। डे नाइट सीजन के बीच में पंत को रिलीज करना। बांग्लादेश के साथ हुए सीजन पंत में रिद्धिमान साहा के साथ दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम से जुड़े हुए थे, लेकिन पहले टेस्ट के बाद ही उन्हें टीम में रिलीज कर दिया गया था। हालांकि पहले टेस्ट में 11 सदस्यीय टीम में वो नहीं थे। पंत को रिलीज करने के कारण जो सामने आया वह वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीमित ओवरों की सीजन में पहले घरेलू क्रिकेट में कुछ मैच खेलकर वो अपने प्रदर्शन में सुधार लाए। ये बातें सामान्य लग रही हैं, लेकिन अगर सोचें कि टीम मैनेजमेंट के सामने ऐसी नौबत क्यों आई कि खास करके पंत को घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए समय उपलब्ध कराया गया, जो बातें समझ में आती हैं वह कहीं ना कहीं यह संकेत करता है कि टीम सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट का अब पंत पर भरोसा कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। अगर पंत बहुत जल्द अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन में नहीं बदलते हैं तो उनके लिए अब आगे की राह मुश्किल होने वाली है। संजू सैमसन ने बढ़िया प्रदर्शन से ऋषभ पंत को मिल रही चुनौती। श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत के बीच नंबर 4 स्लॉट का लेकर प्रतियोगिता थी, इसमें अभी तक अय्यर 20 साबित हुए।
अब फिलहाल पंत को जिस खिलाड़ी से चुनौती मिल रही है वो है संजू सैमसन। आईपीएल से लेकर घरेलू क्रिकेट में बढ़िया प्रदर्शन का इनाम संजू को भारतीय टीम में शामिल करके दिया तो जरूर गया है, लेकिन यहाँ प्रदर्शन करने का मौका उन्हें अब तक नहीं मिला है। संजू सैमसन को वेस्टइंडीज के साथ होने वाले सीरीज के लिए चोटिल शिखर धवन की जगह T20 टीम में शामिल किया गया है। इस बार उम्मीद है कि संजू को खेलने का मौका भी मिलेगा। संजू टीम में बने रहने के लिए टीम की जरूरत के अनुसार खुद को लचीला बनाने की बात भी कह चुके हैं। उनका इशारा कहीं ना कहीं विकेट के पीछे की जिम्मेदारी संभालने का भी था। पंत का प्रदर्शन घरेलू क्रिकेट में भी निराशाजनक ही रहा है। टीम मैनेजमेंट की निगाहें इस पर भी होंगी कि क्योंकि अब तक पंत की आलोचनाएं होनी शुरू हो गई हैं। अगर संजू मिले मौके को श्रेयस अय्यर की तरह ही भुना पाने में सफल होते हैं तो पंत अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं करते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि टीम मैनेजमेंट अब संजू सैमसन को पर्याप्त मौका देगी। संजू सैमसन और ऋषभ पंत दोनों के लिए वेस्टइंडीज सीजन अहम होने जा रहा है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने संजू को टीम में शामिल करके टीम में बने रहने का अवसर अब दोनों खिलाड़ियों के लिए खोल दिया है। टीम मैनेजमेंट अब उस समय से आगे निकल गई है जिसमें यह कहा गया था कि पंत उनकी टीम के भविष्य के अभियान का हिस्सा है, क्योंकि उन्हें गलतियों से सीखने के पर्याप्त मौके दिए जाएंगे। अब प्रदर्शन से जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। तो आपको क्या लगता है, संजू सैमसन सबकी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे या नहीं? अपना सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।